उठो चलो ब्रश करो, दूध पियो तंग मत करो, सुबह शाम मम्मी पापा कहने अब बस करो हैंड फ्री। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे, हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हैंड फ्री। मिस, ये सब शुरू हुआ बनानास के कारण। पूरी बात बताओ मार्गरेट। हेनरी हमेशा की तरह बदमाशी में लगा था। ओए, तुम्हें रूल्स पता नहीं है बदमाश बच्चों? स्कूल में यो-यो अलाउड नहीं है। मुझे ये लेना होगा लड़के। चलो अब इधर लाओ ये। पर सर। कोई सर्वर नहीं, अब ये मिलेगा सिर्फ मेरी अलमारी में, या फिर ये कहूँ कि वहाँ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मिस ऑटबोर्ड ने अलमारी का ताला तो बदला है, साथ में उसकी चाबी भी छिपा दी है। अब भूल जाओ इसके बारे में, ये तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। हेनरी तो आखिर हेनरी है, एक पनिशमेंट से उसका दिल कहाँ बढ़ने वाला था। पर हेनरी तो आखिर हेनरी है, एक पनिशमेंट से उसका दिल कहाँ भरने वाला था। तो हेनरी आज का क्या बहाना है, बिल्ली खा गई होमवर्क? नहीं मिस, बिल्ली का उपवास था। तो आज बिल्ली नहीं है तो फिर क्या चूहा था? फैंग चूहा नहीं है, वो एक हैमस्टर है सरेली। हाँ, एक मोटा हैमस्टर जो चूहे जैसा दिखता है। मैंने कहा चुप मार्गरेट, लगता तो है कि फैंग ही इस बार होमवर्क खा गया है ना हेनरी? नहीं मिस बैटलैग। तो फिर नोट लिखवा कर आए हो मेरे लिए? कोई तो नोट होगी जो मैंने अब तक नहीं दिखाई होगी। जरा पढ़ना रैल्फ, जरा जोर से, सुनाई नहीं दे रहा है रैल्फ। ओ हाँ, सॉरी मिस बैडलक्स। हेनरी आज स्कूल नहीं आ सकता क्योंकि वो बहुत 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 बीमार है। थैंक्स। फिर से ट्राई करो हेनरी, अपनी मम्मी का कोई और नोट भी जरूर होगा। यस। जरा पढ़ना हेनरी। डियर मिस बैटलैक्स, आज मैं होमवर्क नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास और भी बहुत कुछ करने को है। थैंक्स हेनरी की मम्मी। और हाँ, हेनरी खुद अपना होमवर्क कर सकता है पर वो करना ही नहीं चाहता। थैंक्स मम्मी। चलो दोस्तों, मैं चला पनिशमेंट भुगतने। रुको, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, तुम अपना होमवर्क अभी कर सकते हो। हाँ, आज का तुम्हारा होमवर्क है शेयरिंग और केयरिंग। शेयरिंग और केयरिंग मिस। हो चुका। मार्गरेट, मैं चाहती हूँ कि तुम डिसाइड करो कि हेनरी कैसे आज का दिया हुआ होमवर्क पूरा करेगा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है बैंड बजेगी, तुम्हारी बैंड बजेगी। ये आज तक का सबसे बकवास होमवर्क है, सरेली मार्गरेट का नौकर बनना। हाँ हेनरी, ये तो बहुत बुरा हुआ। क्यों बुरा हुआ रैल्फ? हाँ, हर किसी को मौका नहीं मिलता मेरी ऐसी मेवा करने का। लगता है मार्गरेट तुम सेवा कहना चाहती हो। मुझे जो कहना है मैं कहूँगी, समझे चश्मेश? सेवा या मेवा, तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, समझे चश्मेश, सेवा हो या मेवा। थैंक यू सूजन। केले मेरे फेवरेट। एक केला। हाँ, दो केले। तीन केले। चार केले। हाँ चार। पाँच, छः, सात, आठ। हाँ बेचारे।
देखो। ओ, देखो सुजन, खाने में रसम है। वाओ, यम्मी। चाहिए क्या? ये किस तरह का रसम है? केले का है। मुझे दो। लगता है हेनरी पगला रहा है। मजा आ रहा है ये सब देख के, है ना? शुक्रिया दोस्तों। नहीं। तो आपने देखा मिस आर्टबॉट, हेनरी पागल हो गया है। मिस्टर सॉगिंगटन, आगे आप क्यों नहीं बताते? क्यों नहीं, जरूर मिस आर्टबॉट। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया था कि ये किया किसने है। वैसे मुझे थोड़ा थोड़ा शक हो गया था। तो आप ये कहना चाहते हैं मिस्टर सॉगिंगटन कि आपके पास इस बदमाशी का कोई सबूत नहीं है? वो हाँ, मतलब नहीं, ना वो कटोरी है ना कि केले। आपका मतलब है वो गायब हो गए ऐसे ही हवा में? हाँ मिस आर्टबॉट, एक मिनट पहले वो वहाँ थे और एक मिनट बाद वो गायब हो गए। थैंक यू मार्गरेट, तुम भी वहाँ थी है ना? वो नहीं मिस, पर एंड्रू था और उसने गुरिंदर को बताया और उसने सुरैया को और फिर सुरैया ने मुझे, तो ये सच ही होगा। हाँ, तो जैसा मैंने कहा, थैंक यू मार्गरेट। ओ, आपको और कुछ नहीं जानना है? आज के लिए बहुत हुआ मार्गरेट। ओ, वैसे आपको पता है ना मैं कहाँ मिलूंगी? मुझे सब पता है मार्गरेट। तो सिट मत, कोई भी सबूत नहीं है। नहीं, वैसे एक सबूत है, मेरे सिर पर गिरा ये केले का रसम जो बहुत ही टेस्टी है। मैं बताऊं हमें क्या करना चाहिए सिडमा? हाँ हाँ बोलो ना सिंथिया। मुझे लगता है हमें सब कुछ भुला देना चाहिए। भुला देना चाहिए सिंथिया? इस तरह क्यों नहीं सोचते हो, हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है। हाँ वो तो नहीं है, तुम सही हो सिंथिया, तो मैं सब कुछ भूल जाओ। हाँ सब कुछ भूल जाता हूँ, ठीक है। थैंक यू सिडमथ। तो मैं जाता हूँ और भूल जाता हूँ। गुड बाय सिडमथ। गुड बाय सिंथिया। गुड बाय सिडमथ। हाँ वैसे गुड बाय। बोलो सिडमथ। मैं हूँ मिस आर्टबॉट। मार्गरेट, अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मुझे एक केला मिल गया है मिस आर्टबॉट। बहुत अच्छे। मिस आर्टबॉट, तुम अपने बारे में क्या कहना चाहते हो? वो ऐसा है मिस आर्टबॉट, ये सब शुरू हुआ बनानास के कारण। बस करो हेनरी, मुझे इसके बारे में और कुछ भी नहीं सुनना है। हाँ? चलो अब भागो, मुझे अब बहुत सारे काम करने हैं। ओह ठीक है, इसका मतलब मैं जा सकता हूँ? हाँ हेनरी, तुम जा सकते हो, पर जरा धीरे धीरे क्लास की तरफ जाना, जिससे सबको लगे कि तुम्हें डांट पड़ी हो। ओके ठीक है। मिस आर्टबॉट। हाँ हेनरी। क्या आपको केले पसंद है? हाँ मुझे केले पसंद है। हाँ
ओह थैंक यू हेनरी थैंक्स। तो ऐसा रहा एस्टन प्राइमरी स्कूल का एक और खुशहाल दिन। कभी कभी मतलब कभी कभी ये इतना भी बुरा नहीं जाता है।